नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रोथ डिस्कशन पॉइंट में स्वागत है। साथियों, हम इस वीडियो के जरिए आपको बतला देना चाहते हैं कि NIOS का असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर नया सेशन के का आ चुका है। तो जिन विद्यार्थियों को अभी तक पता नहीं है वो अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें। NIOS की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारे वीडियो के माध्यम से असाइनमेंट आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हमने जो सब्जेक्ट चुना है वो 201 हिंदी, और यह 10th क्लास का सब्जेक्ट है। और यह असाइनमेंट जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये 2022 और 23 के लिए है। और यह असाइनमेंट वो विद्यार्थी सॉल्व करके जमा करेंगे जिनका एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होगा, मार्च अप्रैल 2023 में होगा, और जिनका जिन्होंने एडमिशन स्ट्रीम 1 और ब्लॉक 1 में लिया हुआ है वो विद्यार्थी यह असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद सबमिट करेंगे। तो चलिए हम आपको दिखलाते हैं पहले कि हर साल और हर सब्जेक्ट में 6 क्वेश्चंस ही होते हैं, जिसमें ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप दोनों में से कोई एक करें, तो जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि फर्स्ट पेज पे क्या लिखना है। तो यहाँ पे देखिए टिप्पणी में दिया गया है दूसरे नंबर में कि उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर ऊपर की ओर अपना नाम, अनुक्रमांक, अध्ययन केंद्र का नाम और विषय स्पष्ट शब्दों में लिखें। आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पेज में आप अपना डिजाइन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, या आप सिंपल भी लिख सकते हैं। उस पर क्या क्या लिखना है, तो अपना नाम लिखना है, इनरोलमेंट नंबर लिखना है, अध्ययन केंद्र यानी कि स्टडी सेंटर का नाम लिखना है, और कोड भी लिख लेना है, और कौन सा सब्जेक्ट वो अवश्य लिखना है। और सबसे पहले लिखिएगा आप ट्यूटर मार्क असाइनमेंट 2022 और 23, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है फर्स्ट पेज पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, क और ख। ये दोनों में से कोई एक ही करना है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि दोनों में से कोई एक ही करना है। और हर क्वेश्चंस के राइट साइड में चैप्टर का नाम लिखा गया है कि कौन सा पार्ट का ये क्वेश्चंस है, तो आप आराम से यहाँ से क्वेश्चंस देखकर और इसका आंसर आप अपने बुक में ढूंढ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना असाइनमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखेंगे। और जिन विद्यार्थियों को टाइम नहीं मिलता है और असाइनमेंट नहीं कर पाते हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, हम इनका असाइनमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और हम जो असाइनमेंट के जो आंसर्स जो बनवाते हैं वो गवर्नमेंट टीचर्स और प्राइवेट टीचर्स से बनवाते हैं ताकि बच्चे को अच्छे नंबर्स मिल सकें। और जो हमारे जो असाइनमेंट के आंसर होते हैं वो बेहतरीन होते हैं और 100% क्वालिटी वाला होता है, और कोशिश रहती है कि कोई गलती ना हो, क्योंकि टीचर से करवाते हैं तो कोई गलती होने की संभावना नहीं होती है। और इस बार जो है स्कैन कॉपी अपलोड होगा, इसीलिए हमने जो असाइनमेंट के आंसर्स तैयार किए हैं वो स्कैन कॉपी में किए हुए हैं, और इसका जो हैंडराइटिंग है वो बहुत ही साफ सुथरा हैंडराइटिंग में लिखा गया है और सुंदर और अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया है असाइनमेंट के पीडीएफ को, जिससे कि बच्चों को फुल मार्क्स मिलने की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद होती है कि उसे फुल मार्क्स मिले। इस पर्पज से हमारा असाइनमेंट तैयार किया गया है। तो असाइनमेंट लेने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमने अपना डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वेबसाइट भी डिस्क्रिप्शन में है,
बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।